वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर। एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के इतने सपोर्ट और प्यार के लिए। लेकिन कुछ टाइम से जो चैनल हमारा एक्टिवेट नहीं रह पा रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। उससे आप लोग भी डीमोटिवेट होते हैं, हम लोग भी डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन अब इस डीमोटिवेशन को कम करने या फिर ख़त्म करने का टाइम आ गया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमसे रिलेट करती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन आज मैं करना चाहूँगा ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो पाएँ और हम लोगों को भी आपको पढ़ाने की एक एनर्जी मिल सके। कई बार हम सोचते हैं कि यार, सामने वाले पर्सन को तो सक्सेस मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही? हम भी तो उतना ही एफर्ट कर रहे हैं जितना वो कर रहा होगा, क्योंकि हमें अपने पे ट्रस्ट है कि हम पढ़ते हैं या हम जो भी फील्ड में काम करते हैं हम अच्छे से करते हैं या डेडिकेशन के साथ करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारी सक्सेस के पीछे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको सेम टाइम पे या सेम सिचुएशन के साथ वो सक्सेस मिल सके। सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, तो सबकी सक्सेस की टाइमिंग भी अलग है। और यदि कुछ लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन सेम है, तो उनके पीछे कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं जो कि हमारी स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे। देखो, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने किसी भी अचीवमेंट को या फिर हम अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किस तरह का एफर्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, हमारा पाथ क्या है उस गोल को अचीव करने का। हम बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स देखते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे देखते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, लेकिन सबसे पहले और बेसिक हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से आगे बना सकती हैं। हमें उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए मोटिवेशन सेम नहीं होते। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सामने वाले के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ, हो सकता है उससे आपको कुछ हेल्प मिले। महाभारत के बारे में आई थिंक सबने पढ़ा होगा। महाभारत के एक अध्याय में एक सिचुएशन आती है जब पांडवों को एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाता है, जिसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है आज के टाइम में, मतलब दिल्ली। उस टाइम पे हुआ क्या था, जो जमीन उनको दी गई थी पांडवों को, उस जमीन पे कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे कुछ उगाया जा सके या कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सके। वो बिल्कुल बेकार और बंजर जमीन थी। लेकिन उनके साथ उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन था, एंड दैट मोटिवेशन इज श्री कृष्णा, जिन्होंने उसको मोटिवेट किया उन लोगों को और ये बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारे फैक्टर आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए, उन्होंने उनको एक एटीट्यूड दिया, एटीट्यूड जो हमारे पास में है, कि तुम ये काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दैट इज हार्डवर्क। उन्होंने उनको हार्डवर्क के बारे में समझाया, डिटर्मिनेशन के बारे में बताया कि तुम्हें क्या क्या करना होगा और तुम्हें परफॉर्म करना होगा, और परसिस्टेंट मतलब लगातार परफॉर्म करना होगा, तब जा कर के तुम इस जमीन को इस लायक बना सकते हो कि तुम इस पे एक कंस्ट्रक्शन कर सको या फिर कुछ उगा सको। तो हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही मोटिवेशन ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हम मोटिवेट होते हों। वो इतने अच्छे मोटिवेटर थे कि वो सामने वाले को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझा पाते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और उसी का नतीजा था कि एक ऐसा लैंड, एक ऐसी ज़मीन जिस पे आप कुछ नहीं उगा सकते थे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, वो पांडवों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी जगह काउंट हुई, जिसके लिए बाद में कौरवों ने युद्ध भी किया उस इतने से टुकड़े को जीतने के लिए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे पीछे हमारा मोटिवेशन क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में हमारा मोटिवेशन है। दूसरी चीज़, हम उस मोटिवेशन के साथ साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमारे एफर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप लाइफ में एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। और जब हम लाइफ में एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में नेगेटिव फेज आने शुरू होते हैं, जिनको हम स्ट्रगल कहते हैं या फेलियर कहते हैं।
ठीक है। और जब तक उनको हम फेस नहीं करते ना, तब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम सब ने थॉमस एडिसन का नाम सुना है, सुनने को हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम सुने हैं, थॉमस एडिसन हो गया, आइंस्टीन हो गया, ठीक है, न्यूटन हो गया, इन सब की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। लेकिन क्यों मैं आपको थॉमस एडिसन का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम सब ने ये सुना था, हम सबको ये पता है कि वो 1000 बार फेल हुआ था और 1001वीं बार उसने बल्ब बना लिया था, और हमने ये भी सुना है कि 1000 बार फेल होने के बाद ही उसे सक्सेस मिली थी, तो ये कॉमन चीज़ है। लेकिन इसके पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, क्या है वो थोड़ा डिस्कशन हम यहाँ करते हैं। जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेलियर देखी, तो हमने एक बार भी सोचा कि वो 1000 बार जो फेलियर उसने देखी, हम 2 या 3 बार फेल हो जाते हैं तो ही हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये मेरे पे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और करूँगा। मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ तो नहीं यार 2-3 बार में फेल हो गया, मेरे पे नहीं हो पाएगा, चलो SSC की तैयारी कर लेते हैं। SSC में फेल हो गया, चलो कोई नहीं, अब क्या करते हैं, अब किसी और की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, अब टीचर बनने की तैयारी कर। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है, तो आप ये सोचो वो इंसान जो 1000 बार फेल हुआ है, उसने अपने आप को कैसे समझाया होगा कि नहीं एक बार और, नहीं एक बार और, कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स उसने अपने आप को ये समझाया कि नहीं एक बार और, क्या हुआ गलत हो गया तो क्या, नहीं सक्सेसफुल हुआ क्या, अगली बार हो जाऊंगा, अगली बार। 1000 बार अपने आप को समझाना, इट मीन्स वो आदमी क्रेजी था, पागलपन था उसको वो चीज़ बनाने का। और जब तक हमारे पास वो क्रेजीनेस या पागलपन नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पागलपन बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो जितनी भी चीज़ें आपको इस सक्सेस के चारों तरफ ब्लैक में लिखी हुई दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें वो 1000 टाइम्स के फेलियर के अंदर आती हैं। इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस उसको कितनी बार मिली, सिर्फ एक बार, 1001 टाइम बार उसको सक्सेस मिली है, जो फर्स्ट बार हुआ था उसके साथ, दैट इज सक्सेस। उससे पहले सक्सेस थी नहीं। उससे पहले क्या था, उसका पेशेंस था, उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका डिटर्मिनेशन था, काम को पूरा करने का रिस्क होने के बावजूद हार्डवर्क करना था, दैट इज हिज एटीट्यूड। समझ रहे हैं आप? तो एक तरीके का स्ट्रगल किया उसने उन 1000 बार में, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसके बावजूद उसने अपना पेशेंस नहीं खोया, ठीक है, इतने फेलियर के बाद भी। तो हमें भी इन सब चीज़ों से सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिलती है। हर मोटिवेशन में सब आपको कहेंगे कि आप ये कीजिए, आपको सक्सेसफुल होना है तो आप हार्डवर्क कीजिए, आप एटीट्यूड दिखाइए, आप फेलियर से मत डरिए, सब ये बोलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जीवन में, लाइफ में स्ट्रगल इज़ मस्ट। स्ट्रगल को एन्जॉय कीजिए बस। अगर आपने स्ट्रगल को एन्जॉय कर लिया, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रगल वही करते हैं जो एफर्ट्स लगाते हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने ही स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करने के बाद जो सक्सेस हमें मिलती है वो बहुत आनंददायक, जिसको हम बोलते हैं ना हैप्पी, बहुत खुशी देने वाली, प्लीजेंट होती है, ठीक है। तो बस यही एक चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रगल से कभी मत डरिए, स्ट्रगल को लाइफ ऑफ द पार्ट मानिए, और हमेशा ये सोचते रहिए कि स्ट्रगल है तो हमारे पास स्टोरी है दुनिया को बताने के लिए कि मैंने इतना कुछ किया है तब जाके मुझे सक्सेस मिली है। सीधे सीधे सक्सेस नहीं मिली है। तो जो फेज आप या हम इस समय पे झेल रहे हैं या फेस कर रहे हैं, वो आपका स्ट्रगल का फेज है, उसको एंजॉय कीजिए, उसमें खुशी ढूंढिए, तब जाके आपको मजा आएगा कुछ करने में, कुछ पढ़ने में, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो हमारे सेशंस स्टार्ट होंगे लेक्चर्स के, उन सब के लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगा, स्ट्रगल एंजॉय करना सीखो। स्ट्रगल एंजॉय करना सीख गए मीन्स आपने सक्सेस की तरफ अपना एक और कदम बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक जितना भी सपोर्ट आपने दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।